हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लिटिल कपल बाय कपिल। सो कैसे हैं आप लोग, हमें बताइएगा कमेंट में। बहुत अच्छे होंगे हमारे वीडियोस। हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना फैल रहा है, काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिल रही है। हर जगह कोरोना 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 सुन के पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग चुका है, काफ़ी टेंस सिचुएशन है। तो आप पहले तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, घर पे रहें। अगर किसी ज़रूरी काम से आप बाहर निकल भी रहे हैं तो मास्क लगा के जाएँ। सो गाइस, मैंने लास्ट जो मेरा व्लॉग था वो स्टाइलिंग वीडियो का था, तो उस पर भी मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। काफ़ी अप्रिशिएट किया लोगों ने एक्चुअली, और लोगों का ये जो प्यारी है, जो मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है मेरे वीडियोस को लेके एंड ऑल। और पता है आपको, हमारे YouTube के अभी तक सब्सक्राइबर 38,000 हो चुके हैं, जो कि रियली अप्रिशिएबल। थैंक्स अ लॉट टू यू गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए। सो वी डिसाइडेड कि क्यों ना डोमिनोज की गार्लिक ब्रेड हम लोग घर पे बनाएं। जैसी गार्लिक ब्रेड घर पे बना पाएंगे? भरोसा है मुझ पे? भरोसा तो बहुत है, क्योंकि पिज्जा भी इन्होंने जो बनाया था वो बहुत ज्यादा ही टेस्टी था, तो अब मैं भरोसा तो कर ही सकती हूँ। सो गाइस, हियर वी गो। डोमिनोज वाली जो गार्लिक ब्रेड है, आज हम लोग आपको घर पे कैसे इजीली बना सकते हैं वो बनाना सिखाएंगे। सो गाइस, पायल को मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं, वो जाके निकाल रही है। स्टे विद अस, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप डोमिनोज की फेमस गार्लिक ब्रेड अपने घर पे इजीली बना सकते हैं। सो गाइस, अब हम आ गए हमारे किचन में, और जो जो मुझे कपिल ने बोला था मैंने सब कुछ निकाल के रखा है, ऑलमोस्ट मैंने निकाल दिया है। अब चलो, अब ऐसा है कि यार पहले उसके लिए एक डो तो बनाना ही पड़ेगा। अब मुझे आटा गूंथना तो नहीं आता, रेसिपी जरूर आती है, सो पायल मेरी हेल्प करेगी इसमें। बिल्कुल। क्या है ये? तो मैंने, जैसा मुझे कपिल ने बताया था कि इसमें मैदा लगेगा, तो मैंने 3 कप मैदे को इसमें। अपन एक्चुअली इसकी क्वांटिटी कितनी बना रहे हैं? दो बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग एक्चुअली 3 लोग हैं खाने वाले, सो 3 कप मैदा, राइट? चलो, अब क्या डालने वाले हैं हम इसमें? हम इसमें सबसे पहले आप बताइए, बिकॉज आप बना रहे हो तो आप बताइए। चलो, पहले तो 1.5 कप शक्कर, आई गेस। ठीक है, ओके ओके। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, ओके। और क्या लगेगा? इसको नीड हम एक्चुअली दूध से करेंगे, ठीक है? और क्या डालने का, मैं तो बोल ही गया। एक्चुअली हम लोग इसको यीस्ट से बना रहे हैं। अगर आप लोगों के पास यीस्ट अवेलेबल ना हो तो आप इसमें बेकिंग सोडा और थोड़ा सा दही डाल सकते हैं, वो यीस्ट का एक्चुअली एक रिप्लेसमेंट है। पर आज हमारे पास यीस्ट अवेलेबल है तो हम यीस्ट डाल रहे हैं, सो यीस्ट डाल दो उसमें यार। सो गाइज, मैंने अब इसमें, जैसा कपिल ने मुझे बताया है कि इसमें 1 टेबल स्पून यीस्ट डलेगा, तो मैं वो इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या डाल रहे हैं हम? मैं नेक्स्ट डालू इसमें बेकिंग पाउडर। ओके, कितना? 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। ठीक, अब इसमें मैं दूध थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। मैं बोल रहा हूँ। सो गाइस, पायल आटा गूंथ रही है, आटा लगा रही है। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे इन्होंने बोला कि गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं, पर गार्लिक तो है ही नहीं कहीं। तो जब तक पायल आटा गूंथती है, मैं उसके जो अंदर फिलिंग लगेगी वो प्रिपेयर करूँगा। तो उसके लिए मुझे चाहिए खूब सारी गार्लिक। ये देखिए कितनी सारी है, मैं इसको इसमें डालूंगा। कर देंगे पास थोड़ा। ये लीजिए आपका पानी गाइस। पहले मैंने इसको थोड़ा दूध से गूंथा था, जिसमें इतनी क्वांटिटी जितनी उसकी दूध की चाहिए थी वो मैंने उसमें डाल दी। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके डालूंगी, और मैं इसमें हमाम दस्ते में मैंने गार्लिक डाल दी है। इसमें मैं गार्लिक के साथ साथ थोड़ी सी चिली भी ऐड करूंगा, ये देखिए। बहुत मेहनत है यार, पर सीरियसली जब ये बन जाएगा ना, आपको इतना टेस्टी लगने वाला है, मजा आ जाएगा। पेट के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है, आपको पता ही है गाइस, तो वो कर रहे हैं। तो गाइस, मेरा आटा हो गया है डन,
पर मेरी अभी तक नहीं हुई। तो मैं बहुत पहले से लगी हूँ ना इस पे। इसने इजी टास्क दे दिया, मेरा हाथ दुख गया। अब आप देख सकते हैं मैंने मेरा आटा गूंथ लिया है और अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी, जब तक इनका भी काम हो जाएगा फिर हम साथ में स्टार्ट करेंगे। अब इसको जैसे 10-15 मिनट रखेंगे तो वो फूल जाएगा एक्चुअली, है ना, क्योंकि हमने उसमें यीस्ट ऐड करी है। मैंने इसको कूट लिया है, देखिए कितना बारीक कर दिया है। अब मैं इसको बटर में मिक्स करूँगा एक्चुअली, ठीक है। बटर और मैंने गार्लिक और चिली का जो क्रश करके पेस्ट सा बनाया था वो मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करूँगा, क्योंकि बटर एक्चुअली ये अनसॉल्टेड है। और इसमें मैं इटालियन हर्ब की जो सीजनिंग आती है वो ऐड करूंगा। विल गिव इट अ क्विक मिक्स। सो गाइस, हमारा मिक्सचर गार्लिक का रेडी है। इसमें हम और क्या करेंगे, एक्चुअली एक पनीर और कैप्सिकम की फिलिंग भी डालेंगे। अब घर पे बना रहे हैं तो अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं, जो आपको लगे फिलिंग आपको डालना है आप डाल सकते हैं। एक्चुअली कॉर्न भी डलता है इसमें, पर अभी हमारे पास कॉर्न नहीं है, सो वी आर गोइंग विद दिस। इस पे थोड़ा सा घी डालूंगा एंड सम स्पाइसेस, सॉल्ट, हल्दी, धनिया पाउडर एंड सम रेड चिली और मेरा फेवरेट मैगी मसाला। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। जैसे कि आप इसको तवे पे या पैन में भी सॉटे कर सकते हैं, पर इसको मैं माइक्रोवेव में रख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारे लिए माइक्रोवेव बेटर ऑप्शन है। आप देख सकते हैं ये मेरा पनीर का जो मैंने एक्चुअली मिक्सचर बनाया था पनीर और कैप्सिकम का, वो रेडी हो चुका है। इसमें मैं थोड़ी सी मेयोनीज ऐड करूँगा एंड वी आर गुड टू गो। ये उसके अंदर की फिलिंग बन गई है। सो गाइस, मैंने जो भी आटा रखा था 10-15 मिनट के लिए, आप देख सकते हैं वो बहुत ज्यादा फूल गया है, और अब मैं इसको बेलूंगी अच्छे से। ये डो ही उसका बेस है जिसको पायल अभी रोल कर रही है, और इसी के बीच में हम वो गार्लिक का मिक्सचर जो हमने रेडी करके रखा है वो फिल करेंगे, और साथ ही मैं ये जो पनीर का मिक्सचर है वो भी जाएगा, एंड गेस व्हाट, सम चीज। गाइस, अब टाइम है कि इसमें जो इसकी फिलिंग है वो डालें। मैं इसमें पहले जो बटर और गार्लिक का पेस्ट था वो लगा रहा हूँ। तो गाइस, मैंने इसमें जो गार्लिक बटर का स्प्रेड था वो लगा दिया है। अब मैं इसमें पनीर की जो एक्चुअली फिलिंग मैंने तैयार करी थी वो लगाऊंगा। अब बारी है इसमें चीज डालने की। सो गाइस, नेक्स्ट हमको ये करना है कि जैसे मैंने इसमें फिलिंग्स डाल दी है, इसके एजेस पे पानी लगाना पड़ेगा, जैसे हम उसको बंद करें तो वो अच्छे से चिपके। सो मैं इस पे पानी लगा रहा हूँ। गाइस, अब इसके एजेस को भी मैं अच्छे से सील कर रहा हूँ पानी लगा के, जैसे इसकी जो फिलिंग है वो बाहर नहीं आए। गार्लिक ब्रेड देखी होगी कैसे उसमें पीसेस कटे हुए रहते हैं, हम भी वैसे ही एग्जैक्टली सेम करेंगे। इसके ऊपर हम लास्ट में थोड़ा सा बटर और लगाएंगे। सो गाइस, ये है हमारे दोनों गार्लिक ब्रेड जो कि माइक्रोवेव में अंदर जाने के लिए रेडी हैं। माइक्रोवेव 180 डिग्रीज पे प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसको अंदर रखेंगे, इसको कन्वेक्शन मोड पे 15 मिनट के लिए बेक करना है। सो गाइस,
आज पापा भी हमारे साथ हैं जो कि टेस्ट टेस्ट में हमारा साथ देंगे। हमारा गार्लिक ब्रेड बन चुका है, फायद उसको निकाल रही है। लुक एट दिस, एग्जैक्टली डोमिनोज जैसा नहीं दिख रहा आपको? और ये हमारा पहले वाला ही गार्लिक और बटर का मिक्सचर है जिस पे हम लगाएंगे। सो गाइस, हमारी गार्लिक ब्रेड रेडी है। बिल्कुल आपने देखा कैसे डोमिनोज के जैसी दिख रही है। सो टेस्ट टेस्ट इज हियर। आज पापा हमारे साथ है। पापा खा के बताओ कैसी लग रही है। बिल्कुल खाओ खाओ, है ना मस्त सॉफ्ट। सी गाइस कैसे चीज उसमें से ऊज आउट कर रही है। सी गाइस कैसे उसमें से चीज निकल रही है। सो पापा कैसा लगा आपको, आप बताओ। बहुत टेस्टी है। आपने डोमिनोज का खाया है, वैसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा ठीक है, पापा ने तो पास कर दिया है। पायल तू खा के देख। मुझे तो ऑलवेज अच्छा ही लगता है। मैं भी खाऊं? हाँ खा ले। बहुत ही मज़ा आ रहा है। एग्जैक्टली वैसा, बल्कि उससे अच्छा, क्योंकि हमने इसमें पनीर की फिलिंग भी डाली है। डिनर कंप्लीट कर दिया जो कि गार्लिक ब्रेड था, डोमिनोज एक ब्रेड हमने दोनों ने आधिया दिखाई एंड वी आर डन। से पापा ने खाया पूरा। सो पापा को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इवन हमारी मम्मा ने भी उसको, जो कि खाती नहीं है, वो ये सब चीजों से दूर रहती हैं, पर उनको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा। उन्होंने भी बहुत तारीफ की हमारी। अब नेक्स्ट आपको ये करना है कि आपको भी ये रेसिपी ट्राई करनी है और हमें बतानी है कि आपको कैसी लगी। बिल्कुल। सो गाइस फाइनली हम हमारे ब्लॉग को अब यही कंप्लीट करते हैं और हम चलते हैं। पर कहाँ, इतनी हंसी क्यों आ रही है? अरे नहीं पता, पहले बता। नहीं कुछ बता ना, इतनी हंसी क्यों आ रही है? ऐसे हंसी आ रही है, ये ऐसे ही दिन भर ऐसे करती है। मैं पूरा टाइम हंसती रहती हूँ, तभी इतनी मोटी। सो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग। अब आप जानते ही हैं आपको आगे क्या करना है। इस ब्लॉग को लाइक शेयर एंड हमें सब्सक्राइब करना है। नहीं जी हाँ, हम कौन है? लिटिल कपल, पायल कपल।